वेरियस साइकोमेट्रिक प्रोसेस में मिक्सिंग ऑफ एयर भी एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग जानते हैं कि जब हम दो अलग अलग डिफरेंट मॉइस्ट एयर को मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर बनेगा उस एयर का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगा, उसकी एंथैल्पी क्या होगी। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइकोमेट्रिक प्रोसेस में एक डिफरेंट प्रोसेस को देखेंगे, दैट इज एडियाबेटिक मिक्सिंग ऑफ मॉइस्ट एयर। तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि हमारे पास दो डिफरेंट मॉइस्ट एयर है और उसको हम लोग जब मिक्स करेंगे तो जो मिक्स होने के बाद जो मॉइस्ट एयर बनेगा उसकी एंथैल्पी क्या होगी, उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी, किस मास फ्लो रेट से वो बाहर आएगा ना, इन सारी चीजों को जानेंगे। बेसिकली ये न्यूमेरिकल ओरिएंटेड टॉपिक है, तो सिंपली हम लोग इसके फॉर्मूलाज पे आते हैं कि कैसे इसको हम लोग करेंगे और फिर लेटर ऑन एक न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसके न्यूमेरिकल को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारे पास एक चैनल है ना, ये इनलेट है वन, मैं इसको ले रहा हूं, ये भी इनलेट है, इसको भी टू ले रहा हूं, तो इसका सबका सेपरेटली मास एंथैल्पी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिस्पेक्टिवली है वन और टू का, और ये मिक्स हो रहा है ना एज ए मिक्सचर और ये मॉइस्ट एयर बन रहा है। एयर कंडीशनिंग में कई बार हम ऐसा देखते हैं कि दो डिफरेंट मॉइस्ट एयर को हम लोग मिक्स करते हैं। ठीक है, चलिए ये जो मिक्सिंग हो रहा है वो एडियाबेटिक मिक्सिंग है। व्हाट डू यू मीन बाय एडियाबेटिक मिक्सिंग? एडियाबेटिक मिक्सिंग का मतलब है कि इस सिस्टम में ना बाहर से कोई हीट इस सिस्टम में एड हो रहा है या ना इस सिस्टम के अंदर से हीट बाहर जा रहा है, तो ही नेट हीट ट्रांसफर जो है वो सिस्टम टू सराउंडिंग जीरो है। उसी तरह सिमिलरली ना वाटर वेपर का भी जो है मिक्सिंग जो आउटसाइड टू इनसाइड है वो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही वो अंदर से बाहर आ रहा है ना बाहर से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेडी स्टेट कंडीशन को अचीव कर रहा है। तो जब ये स्टेडी स्टेट कंडीशन को अगर ये अचीव कर रहा है तो चलिए इसमें हम लोग आराम से मास बैलेंस लिख सकते हैं, इसका एनर्जी बैलेंस लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग इसका एंथैल्पी और ह्यूमिडिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इसका मास बैलेंस इक्वेशन देखेंगे तो अगर इसके मास को मैं अगर बैलेंस करूं तो इसको लिखा जा सकता है ना, सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं इसका ड्राई एयर है दोनों का सम इसके बराबर होगा, कैन आई राइट M1 डॉट, डॉट लेने का मतलब है केजी पर सेकेंड, M1 है प्लस M2 डॉट है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू M3 डॉट, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया राइट, जहां M3 क्या है इस जो मॉइस्ट एयर एग्जिट कर रहा है मिक्सचर है उसका मास फ्लो रेट। ठीक है, ओके, ये तो हमारा हो गया ड्राई एयर के लिए, समझना है ये जो था किसके लिए था, ये हमारा ड्राई एयर के लिए है। उसी तरह हम लोग वाटर वेपर के लिए भी लिख सकते हैं ना, तो वाटर वेपर के लिए हम लिखे हैं तो इसको सिमिलरली लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का क्या फॉर्मूला जानते हैं ना, दैट W इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर वेपर बाय मास ऑफ एयर, तो यहां से मास ऑफ वाटर वेपर लिखा जा सकता है W इंटू मास ऑफ एयर। ठीक है, चलिए तो इसको अगर हम पुट कर देंगे तो इसको लिखा जा सकता है एम वन डॉट डब्ल्यू वन प्लस एम टू डॉट W2 is equals to M3 dot W3। चलिए ये हमारा इक्वेशन टू आ गया। ठीक है, तो यहां से अगर आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिक्सचर का निकालना चाहते हैं W3 हमको चाहिए, तो यहीं से आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर मैं आपको बताऊं M1 dot W1 plus M2 dot W2 by अगर M3 के मास को हम डिवाइड कर दें ना तो ये मिक्सर का निकल जाएगा और M3 बराबर क्या है M1 M1 प्लस M2। चलिए तो इसको हम लोग सेपरेटली अगर कर दें तो कैन आई राइट M1 डॉट प्लस M2 डॉट, तो इस तरह से आप किसी भी मिक्सर का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकाल सकते हैं फर्स्ट थिंग। चलिए तो ये हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकाल दिया, सिमिलरली आप इंथैल्पी भी निकाल सकते हैं, लेकिन इंथैल्पी जो है एनर्जी के फॉर्म में है, तो अभी आपने मास बैलेंस किया ये निकल गया, तो सिमिलरली अगर हम एनर्जी बैलेंस करेंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए तो सिमिलर ऑपरेशन आप लिख सकते हो, ध्यान से देखेंगे सिमिलरली ना अगर हम एनर्जी बैलेंस कर दें उसके लिए क्या लिखा जा सकता है,
M1 that is mass of dry air into H1 plus M2 H2 बराबर M3 into H3, ठीक है। अब अगर यहां पे हमको H3 क्या है, मिक्सचर का है, तो डायरेक्टली अगर इसको हम इधर ले आए ना, तो यहां से लिखा जा सकता है H3 बराबर बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे M1.H1 प्लस M2.H2 बाय M1. प्लस M2. तो ये हमारा निकल गया इंथैल्पी का मिक्सचर। ये दो पॉइंट हो गए, तीसरा M3 अगर निकालना चाहते हैं तो यहां से भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये तो आपको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि किस तरीके से आप इंथैल्पी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो मिक्सचर जो मिक्स्ड मॉइस्ट एयर है उसका कैलकुलेट करेंगे। अगर इसी फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से देखें तो यहां हम मास रेशियो भी निकाल सकते हैं, ये दोनों किस रेशियो में इन कर रहा है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि हम लोग फिर से किसी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे ना, इस इक्वेशन को M3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा ना। अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखूं, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको लिखा जा सकता है M1W1 प्लस M2W2 डॉट ले लेंगे। चलिए M3 की जगह हम लोग लिख सकते हैं M1 प्लस M2.W3। चलिए इस दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मास फ्लो रेट का रेशियो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं, M1 को एक तरफ ले आते हैं, M2 को एक तरफ ले आते हैं। तो M1 को अगर ले आएंगे तो W1 इधर से आएगा, ये W3 हो गया। चलिए अगर M2 डॉट को अगर हम यहां से करेंगे तो W3 इधर है माइनस, इसको उधर ले जाएंगे तो W2। तो यहां से आप आसानी से M1 बाय M2 डॉट का रेशियो भी निकाल सकते हैं, W3 माइनस W2 बाय W1 माइनस W3। सिमिलरली जिस तरह से ये इक्वेशन था यहां भी हम लोग वही करेंगे ना, इस M3 को, ये मैं आपके लिए असाइनमेंट दे रहा हूं, इसको खुद से कर लेना है घर पे। इसको आप अगर M1 प्लस M2 से अगर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, सिमिलर इक्वेशन आएगा। तो यहां पे W3 था, यहां पे क्या जाएगा H3 माइनस H2 बाय H1 माइनस H3। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला मास फ्लो रेट रेशियो का ना, ये आप इसको चाहें तो आसानी से नोट कर ले ना। यही तीन चार एस्पेक्ट है जो इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल आएगा। चाहे गेट का एग्जाम दीजिए, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव दीजिए, इवन यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन जो है काफी कॉमनली पूछा जाता है ये रेशियो के बारे में। तो तीन चीजें इस चीज से आपको समझ में आया होगा इस टॉपिक में ना, कि पहले हम लोग कैसे मास रेशियो निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको ये तीनों पॉइंट पे एंथैल्पी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पता होना चाहिए। तो ये तो सबसे लास्ट में आप जानेंगे, उससे पहले देखेंगे W3 और H3 कैसे निकालेंगे। तो यहां आसानी से आप ना एनर्जी बैलेंस और मास बैलेंस करके आप आसानी से यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस पे जो है एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझ में आए ना। जनरली जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो H3 ये सारी डाटा जो अवेलेबल आपको जिसके लिए चाहिए वो आपको इजीली दिया रहेगा, और अगर आप यूनिवर्सिटी को सॉल्व करेंगे, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां भी डाटा आपको ना स्टीम टेबल से या साइकोमेट्री चार्ट की मदद से कैलकुलेट करना होता है, वो निकालना होता है, बस यही एक प्रोसेस है, बहुत आसान है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए तो हम लोग इस देखते हैं इसको कैसे हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, फिर मैं एक असाइनमेंट के तौर पर दूंगा जिससे आप घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। लेट सी वन ऑफ द न्यूमेरिकल। अब हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेट बोर्ड में 6 या 8 मार्क्स में पूछा जाता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे कि इस टॉपिक को कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो बिल्कुल एडियाबेटिक मिक्सिंग ऑफ एयर पे है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें ना, और उसके बाद अभी जो मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं ना, मैं आपको फुल डिटेल सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको अप्रोच बताऊंगा, आप इसे बना लेंगे ना, और डेफिनेटली जो है इसका आंसर आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो
तो हम लोग देखते हैं इसका अप्रोच क्या है। ओके, तो जैसा कि दिया हुआ है कि हमारे पास 100 केजी पर सेकेंड का मॉइस्ट एयर है 30 डिग्री सी पे, मिक्स एडियाबेटिकली विद 30 केजी। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास सिमिलर फिगर है ना? तो ये लाइक सपोज मैं मान लेता हूं M1, तो M1 कितना है, इट इज 100 केजी पर सेकेंड। सिमिलरली अगर आप M2 देखेंगे तो ये कितना दिया हुआ है, इट इज 30। चलिए, तो मास दिया हुआ है ना, आपने अगर अभी देखा होगा तो डेफिनेटली इसका मास आप निकाल लोगे, दैट M3 नथिंग बट M1 प्लस M2। ठीक है, ये तो हमारा आ गया 130। ठीक है, अब हम लोग को पूछा जा रहा है ह्यूमिडिटी रेशियो, दैट इज W ऑफ मिक्स्ड स्टीम, फिर टेम्परेचर और फिर इंथाल्पी। तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था, W3 का क्या फॉर्मूला था, अगर गौर से देखेंगे M1 dot W1 plus M2 dot W2 by M1 dot plus M2 dot। तो आप क्या देख रहे हो, M1 M2 दिया हुआ, अब आपको चाहिए W1 और W2। तो कहीं ना कहीं आपको यही कैलकुलेट करना है। उसी तरह अगर इंथाल्पी में देखेंगे तो यहां पे W1 की जगह H1 H2 हो जाएगा, तो आप इंथाल्पी ऑफ मिक्सचर भी निकाल सकते हो। टेम्परेचर में भी अगर इस दोनों का टेम्परेचर आपको पता है तो आप कर सकते हो। तो देखो टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सी 40 डिग्री सी, तो आपका ये निकल जाएगा। चलिए ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका टेम्परेचर वाला तो सिंपली दिया हुआ है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, M1 हो गया 100, T1 कितना हो गया, अगर यहां ध्यान से देखें तो अगर इसको मैं लिख सकता हूं, दैट इज T1 = 30 डिग्री सी, और यहां अगर देखें T2 = 40 डिग्री सी। डेफिनेटली जो है T3 निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला होगा M1 dot T1 plus M2 dot T2 by M1 dot plus M2 dot। ध्यान रखना है ये जो टेम्परेचर है वो ड्राइवर में टेम्परेचर है। ठीक है, तो चलिए ये आप कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं ना कि इससे को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे लिए क्वेश्चन है W1 कैसे निकलेगा। ठीक है, और W1 का क्या फॉर्मूला होता है ना, आप पढ़ चुके हैं 0.622 PV1 / atmospheric pressure टोटल प्रेशर माइनस PV1। अब देखिए टोटल एटमोस्फेरिक 1.01325 बार दिया हुआ है, चलिए ये भी क्लियर है। अब ये PV1 कैसा होगा, तो चलिए आप जैसा कि जानते हैं ना कि यहां पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दिया हुआ है, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का जो सेचुरेशन प्रेशर होगा क्रोस्पॉन्डिंग इस टेम्परेचर के क्रोस्पॉन्डिंग जो हमारा ना सेचुरेशन प्रेशर होगा, दैट इज ये वाला, दैट विल बी योर नथिंग बट द PV1। यही इसमें कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। जिस लड़के को यह पता है ना कि हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के क्रोस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन प्रेशर लेते हैं वही हमारा वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर होता है, दैट इज योर गिवन। चलिए तो यहां से आप ये P1 हो गया, तो इस फॉर्मूला में पुट करके आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे ना। और लोग देखते हैं W2 ना, W2 में ड्यू पॉइंट तो नहीं दिया हुआ है लेकिन एक चीज दिया हुआ है, दैट इज RH ना। तो RH क्या होता है, RH अगर दिया हुआ है तब तो और आसान है ना। आप जानते हो RH का फॉर्मूला, मास ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, बाय ना, अगर इसको हम लोग देख लेंगे, या मास में भी बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर में भी बोल सकते हैं, बटा PVS, लेकिन ध्यान रखना एट द रेट ऑफ 40 डिग्री सी, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सी पे, उसके कोरिस्पॉन्डिंग RH है। तो चलिए PVS एट 40 डिग्री सी ये दिया हुआ है, यहां से PV2, RH दिया हुआ है 0.3। चलिए यहां से आपको PV2 कैलकुलेट हो जाएगा और PVT कैलकुलेट हो जाएगा, तो सिमिलरली आप यहां पे पुट कर देंगे PV2 / PT - PV2, तो यहां से आपको W2 भी निकल गया। तो इस तरह से आप मिक्सचर ऑफ स्टीम ह्यूमिडिटी रेशियो निकाल सकते हैं मिक्सचर का ना। चलिए अब बात रही इंथाल्पी, अगर हम इसी तरह निकाल लें तो H1 बराबर क्या होगा, बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया आपको 1.005 T into ड्राइवर टेम्परेचर T1 ना प्लस W1 into 2500 प्लस 1.88 into ड्राइवर टेम्परेचर। चलिए तो T1 दिया हुआ है कितना 30 डिग्री सी कर देंगे, W1 आप निकाल चुके हैं, T1 पता है, H1 निकल जाएगा। सिमिलरली आप T2 कर दें, यहां W2 कर दें, यहां T2 कर दें, रेस्ट विल बी सेम। ठीक है, यहां से आपको H2 निकल जाएगा, तो H1 H2 निकल गया, तो कैन यू फाइंड आउट H3 आराम से,
कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप आप लोग कर लेंगे, इतना तो आप लोग इंटेलिजेंट जरूर हैं ना, मैं मानता हूं ना? तो यहां से आप निकाल लेंगे। तो इस तरह से ह्यूमिडिटी रेशियो निकल गया, इंथैल्पी निकल गया और टेम्परेचर निकल गया। चलिए ये रहा बहुत ही आसान क्वेश्चन ना, मैंने इसे पता, बट इसे आप हमेशा पूरी डिटेल में घर पे सॉल्व कर लेंगे, इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है, इसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लें ना। कई बार तो डिराइव करने के लिए भी मास रेशियो का फॉर्मूला दे देता है, बहुत आसान है, आई होप आप लोग कर सकते हैं ना। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो ये सारी चीजें जो है एंथैल्पी एंड ऑल या आपको दी हुई रहेंगी ना, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करना है, आई होप आप लोग वो भी कर लेंगे। चलिए आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ईश्वर करे ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और आरएसी का मजा लेते रहिए। थैंक यू।